विश्व विख्यात विभिन्न दूरदर्शन चैनलों पर लोगों को आध्यात्मिकता की गहराइयां समझाने वाली के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली ब्रह्म कुमारी बहन शिवानी अपने एक दिवसीय कार्यक्रम हेतु भ्राता सुरेश ओबराय के साथ जलंधर पधारे। बहन शिवानी ने आध्यात्मिक संदेश देते हुए सभी भाई बहनों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जलंधर निवासियों को तनाव मुक्त योग युक्त जीवन जीने के साथ साथ बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर विचार दिए। इस मौके पर पूर्व उपराज्यपाल पुडुचेरी इकबाल सिंह, क्लब कबाना के मालिक गोपाल, एसपी सेठी सुरेंदर, सीपीएस पवन कुमार, टीनू, बीके राज सहित बड़ी संख्या में भक्तजन भी मौजूद थे। वो दुआएं उनके पास करने का काम को भी सेटल करने में मदद करेगी और उनको इतनी एनर्जी देगी कि वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा अचीव करेंगे। ये 100% गारंटी है, कोई भी करके देख सकता है। दुआएं हमारे जीवन में चलते चलते जब कोई बात आ जाती है और ठीक है तो कहते हैं पता नहीं किसी की वो भी किसने कमाई थी, वो भी हमने ही कमाई थी, ऐसे ही नहीं लग सकती, ऐसे ही नहीं लग सकती। तो सारा दिन में ये लक्ष्य कि मुझे क्या कमाना है, सारा दिन क्या कमाना है, दुआएं कमानी है, सबको सहयोग देना है, तो वो अंत में कौन सी एनर्जी देगी, कौन सी एनर्जी देगी। ये चार चीजों का बहुत कनेक्शन है, धन फिर अन्न फिर उस अन्न का असर मन, उस किसी को सहयोग दिया, दुआएं कमाई, धन कमाया, उस धन का अन्न पर असर, अन्न का मन पर असर, मन का धन पर असर। आप सबको यहाँ आने का शुक्रिया और दिन के ज्ञान का शुक्रिया। मैं बहुत भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था, बहुत सी चीजें अच्छी भी करता था, लेकिन मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी थी कि मैं सुबह नींद से उठता था तब गुस्से में उठता था, चाय पीने से लेके गुस्से में, ब्रश करने से लेके गुस्से में, कोई फोन आ जाए तो गुस्से में, उतरते टाइम पे देर हो रही है गुस्से में, टेंशन में रहता था, पता नहीं क्यों, क्या पास करके अकाउंट में रहता है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ उठाई, दीवारों पे लिखा कि यहाँ से गुस्सा नहीं करना, मीठा बोलना, ये बोलना, यहाँ तक कि मैं रुमाल में गांठ बांध के गाड़ी के ड्राइविंग उसके साथ रखता था याद रखने के लिए, आज अभी किसी को गुस्सा नहीं करना, रेड लाइट देखूंगा तो याद दिला होगा, कितना कुछ ट्राई कर लिया, बड़ी मेहनत, क्योंकि गुस्से से बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था, एक तो हेल्थ खराब हो रही थी, रिलेशन खराब हो रहा था, और उसके बाद मुझे खुद अच्छा नहीं लगने लगा था। तो जैसे खोज में हम गए थे गुरु की खोज में, दुनिया में ढूंढते हुए बहुत मेहनत की, कई जगह एक गुरु जी के पास गया, उन्होंने बहुत सुंदर पसंद है, भले बेटा तो हमेशा पूछता रहता है, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं, गुस्सा तू गुस्से के कर्म, तो कभी शांति की कर्म करता है, बात समझ लो उस टाइम पे है नहीं।